पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट एडिशनल का ग्रेजुएशन का एडिशनल और बीएड का एडिशनल देना चाहते हैं, साथ साथ में इम्प्रूवमेंट का भी आप लर्न कर सकते हो। बाकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, क्योंकि सेम एग्जामिनेशन फॉर्म में सब कुछ फिल किया जाता है, वो लर्न कर लेते हैं। तो दो सिस्टम थे, पहला एनुअल सिस्टम था, लेकिन अब यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने ग्रांट लेनी थी तो सेमेस्टर सिस्टम है। जो स्टूडेंट पहले एनुअल सिस्टम से पढ़े हुए हैं, उनका ये कंफ्यूजन है, क्या अगर वो अब इतने सालों बाद एडिशनल पेपर देना चाहते हैं, क्या उनका एनुअल होगा? जैसे कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में एनुअल वालों का एग्जाम भी एडिशनल या इम्प्रूवमेंट वो एनुअल में होता है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है, जैसे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में अगर बेशक आपने एनुअल में ग्रेजुएशन की हुई है, अगर आप एडिशनल पेपर देना चाहते हो तो वो सेमिस्टर में ही आपके एग्जाम होंगे, और नेचुरली है कि करंट सिलेबस में ही देना पड़ेगा। दूसरा, जो ग्रेजुएशन के एडिशनल पेपर देना चाहते हैं, वो ये जान ले, तीनों यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी फ्लेक्सीबिलिटी भी है और रूल्स भी हैं, डिफरेंस भी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में सिर्फ आप लैंग्वेज के ग्रेजुएशन के एडिशनल पेपर दे सकते हो, सोशल साइंस या साइंस के नहीं दे सकते। जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में सभी पेपर दे सकते हैं, प्रैक्टिकल कोई हो उसका नहीं दे सकते। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में सभी का दे सकते हैं, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी वाले नहीं दे सकते। तो प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो, अगर साथ साथ में फिल करना है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो ये उनके लिए है। बीएड मान लो आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कर रहे हैं, तो आपको बीए का एडिशनल भी वहीं से देना चाहिए। अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से हो तो बीएड वहां से कर रहे हो, तो बीए का एडिशनल भी वहीं से देना चाहिए। हाँ, बाकी चीज़ें कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है वो इफेक्ट पड़ेगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एडिशनल के फॉर्म कैसे फिल करने हैं, इजी कैसे है, जहाँ कन्फ्यूज़न को दूर कैसे करना है, वो समझ लें। सबसे पहले आप यहाँ फिल करके बताता हूँ कि मैंने यहाँ फिल किया यू जी, ये आ गया, ये रहा यू जी एग्ज़ाम डॉट पी यू एग्ज़ाम, इसको मैंने एग्ज़ाम्स, इसको मैंने क्लिक किया, तो ये लिंक नीचे भी दिया गया होगा इस वीडियो के, वहाँ से क्लिक कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पी यू एग्ज़ाम डॉट इन, ये रहा, इसको मैंने क्लिक किया, और ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 है ना, ये खुल गया। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, इनको रीड कर लेना चाहिए। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट है, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑनलाइन इन द प्रीवियस सेमेस्टर एग्जामिनेशन कैन रजिस्टर यूजिंग देयर प्रीवियस डिटेल। तो जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में कोई भी एग्ज़ाम दिया है, इस वीडियो में एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जिन्होंने 2011 में पहले बीए की है, लेकिन 2019 में मतलब अब सेमेस्टर सिस्टम में जो है एमए की हुई है, तो वो लेटेस्ट जो एमए एग्ज़ाम दिया हुआ है वो सेमेस्टर सिस्टम में एंटर हो चुके हैं, दैट इज़ वाई वो लेटेस्ट अपनी डिटेल फिल करके प्रोसीड कर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए। कैंडिडेट हैज़ टू फिल हिज और हर सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर डिफरेंट कैटेगरीज और क्लास। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडिशनल पेपर देना चाहते हैं तो सेम वन का, सेम थ्री का और सेम फाइव का होगा। सेकेंड टाइम जब आप फिल करोगे तो 2, 4, 6 इनका होगा, तो आपको तीनों के अलग अलग फॉर्म इसी पर ऑनलाइन में फिल करने पड़ेंगे, वो थोड़ी सी रेपिटेशन होती है। कैंडिडेट मस्ट फिल चेक हिज हर नेम कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस केयरफुली, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड विल सेंड टू द मेंशन्ड कॉन्टैक्ट एंड ईमेल एड्रेस। दो बातें पक्की है, कोई भी ऐसी आप काम करते हो तो आपका मोबाइल नंबर आपका ही होना चाहिए, जहाँ जिसके साथ आप रेगुलर कॉन्टैक्ट में हैं, और ईमेल एड्रेस जिस पर आपसे यूनिवर्सिटी कम्युनिकेट करती है। कैंडिडेट विल बी एबल टू एडिट हिज हर एग्जामिनेशन फॉर्म डिटेल टिल द लास्ट डेट। ये बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने गलती की है, वेरीफाई करना है, आज थके हुए कल देखना चाहते हो, तो आप फिर लास्ट डेट तक उसको एडिट कर सकते हो। डिपार्टमेंट कॉलेज कैंडिडेट हैव टू सेलेक्ट स्टूडेंट टाइप
अगर डिपार्टमेंट या कॉलेज कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट स्टूडेंट टाइप एज प्राइवेट कैंडिडेट फॉर, अगर रीअपियर है, एडिशनल पेपर देना है, डेफिशिएंट स्टूडेंट है, इम्प्रूवमेंट है अंडर रेगुलेशन रेगुलेशन कैटेगरी एग्जामिनेशन, ये जब फिल करेंगे साथ में ध्यान रखेंगे। फोटो एंड सिग्नेचर आपके अपलोड होने हैं, उनका साइज यहाँ बताया गया कि 100 KB से कम होना चाहिए। फोटो एंड सिग्नेचर के इमेज शुड ओनली बी इन JPG फॉर्मेट एंड फाइल फॉर्मेट होता है और साइज लेस देन 100 KB। डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन फी फॉर ऑल द कोर्सेज इज अवेलेबल एट फीस डिटेल, तो आप अपनी फीस डिटेल यहां पर देख सकते हो। गोल्डन चांस के लिए ये है, 2023-24 के लिए क्लिक यहां कर सकते हैं, तो ये फीस अवेलेबल है। नॉर्मली वो चलान जनरेट होना है, उस पर फीस प्रिंट होके आ जाएगी, ये विदाउट लेट फीस। वैसे रीअपियर की दी हुई है फीस डिटेल, आगे की आपने कोई भी फीस देखनी है यहाँ से खुद देखिए, क्योंकि कैफे वाले के पास जाते हैं वो अपना कमीशन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अवेयर हो तो नेचुरली, आप स्टूडेंट हो तो आपको इतना एक्सप्लॉयट नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप सीधा वेरीफाई कीजिए द ओरिजिनल और प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट रिसर्च भी करते हैं, तो प्राइमरी सोर्स जो यही है कि किस कोर्स की कौन सी फीस है। वापस चलते हैं, ये फीस देखने के बाद एक बार अगर आपने देखनी है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये फीस रही, तो वापस चलते हैं, ये फीस देख ली है हमने, इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे। इंस्ट्रक्शन के बाद इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए है, रजिस्ट्रेशन अच्छा ये है फर्स्ट स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप में रजिस्टर ऑनलाइन, नोट डाउन योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, थर्ड है लॉगिन एंड डाउनलोड पोस्ट ऑफिस चलान, ये इंपॉर्टेंट है। दो रास्ते हैं जो बताए गए हैं कि आपने फीस पेमेंट कैसे करनी है, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस चलान है, दूसरा है उसका आगे दिया गया है पोस्ट ऑफिस चलान एंड डिपॉजिट फी इन एनी पोस्ट ऑफिस ब्रांच। सेकेंड है यू कैन ऑल्सो पे ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन पेमेंट लिंक, ऑनलाइन ये रहा ऑनलाइन पेमेंट लिंक, एक तो पोस्ट ऑफिस चलान हो गया, दूसरा ऑनलाइन पेमेंट लिंक है जो कहाँ दिया गया है आपके लॉगिन जो ये रहा इन योर लॉगिन, तो उस लिंक के जरिए ही आपने पेमेंट करनी है और कोई रिसीव नहीं की जाएगी। विद इन 2 days ऑफ डिपॉजिटिंग फीस यू विल रिसीव फी कंफर्मेशन मैसेज ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आपने आज फीस जमा करवाई है, 48 hours के बाद आपको मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो आपने लॉगिन दोबारा करना है, मैसेज आ गया कि आपकी फीस रिसीव हो गई है, कंफर्मेशन हो गई है, फिर आपने लॉगिन अगेन दोबारा करना है, कंप्लीट करनी है रजिस्ट्रेशन कैसे कि आपने अपलोड करनी है योर स्कैंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपने सेव करना है एंड अपलोड करना है अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फिफ्थ स्टेप है इफ यू हैव पेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट लिंक एंड डिड नॉट रिसीव एनी कंफर्मेशन मैसेज आफ्टर डिपॉजिटिंग फी ऑनलाइन, देन लॉग इन एंड क्लिक अगेन ऑन ऑनलाइन फीस पेमेंट लिंक टू कंफर्म योर फीस, तो ये अगर आपको रिसीव मैसेज नहीं होता। टेक ए प्रिंट आउट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट योर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, तो ये तो फिजिकली वो जमा करवाना पड़ेगा। फीस सबमिटेड थ्रू पोस्ट ऑफिस चलान और ऑनलाइन पेमेंट, दो बातें, ये बात हो चुकी है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट विल ओनली बी एक्सेप्टेड, और कौन कौन सी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फी सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड लाइक बैंक ड्राफ्ट, कैश काउंटर रिसिप्ट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पे ऑर्डर, गूगल पे विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन और एडजस्टेड। अब वापस चलते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली हैं, अब रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट समझ लेना चाहिए, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ दिसंबर 2023, क्लिक हेयर इफ यू वांट टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म नॉर्मल चांस, यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्लिक हेयर ओनली इफ यू आर अफगानिस्तान स्टूडेंट्स हु कुड नॉट कम टू इंडिया ड्यू टू वीजा इशू, तो ये डिफरेंट है, नेचुरली हमने यहाँ पर क्लिक करना है, अगर अफगानिस्तान के हैं तो आप उधर हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के काफ़ी स्टूडेंट, इवन मेरे जो PhD के स्टूडेंट हैं उनके साथ अफगानिस्तान के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे स्टूडेंट पढ़ते हैं,
तो इंटरेक्शन होती है, लेकिन उन वो बताते हैं कई दोस्त उनके अभी भी अफगानिस्तान में हैं, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन एडमिशन ली हुई थी, वापस गए थे, दोबारा नहीं आ सके, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन रखी है, ये ऑप्शन वो है। लेकिन हम किस पर क्लिक कर रहे हैं कि हम जो यहाँ के इंडिया के रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो अगर अफगानिस्तान के आप वो वीडियो देख रहे हो लेकिन वो हिंदी में समझेंगे नहीं, वो इंग्लिश ही वो समझ पाते हैं ना, जो अफगानी समझ पाएंगे, तो उनके लिए वेरी सॉरी। यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्लिक दिस बटन इफ यू हैव रजिस्टर्ड ऑन दिस वेबसाइट इन पास्ट, क्लिक हियर इफ यू आर एन ओल्ड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मैं गलती क्या कर रहा था कि जो कैंडिडेट मेरे पास हैं उनका, क्योंकि उन्होंने 2011 में ग्रेजुएशन की हुई है, तो मैं उनको ओल्ड स्टूडेंट नहीं समझ रहा था, क्योंकि उन्होंने एनुअल सिस्टम में की है और यहाँ पर सेमेस्टर लिखा है, यहाँ पर सेमेस्टर लिखा है, ये कन्फ्यूजन थी। दूसरा है कि क्लिक दिस बटन इफ यू आर फिलिंग एग्जामिनेशन ऑन दिस वेबसाइट फॉर फर्स्ट टाइम, तो मैं फर्स्ट टाइम पर वो क्लिक कर रहा था। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम में जाते हो तो आपको होल डाटा दोबारा से सारा फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या फ़ायदा है कि ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी टोटल फिल हुई हुई है, पिछले रिकॉर्ड भी पंजाब यूनिवर्सिटी से जो पड़े हुए हैं वहाँ पड़े हैं, तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने कभी भी ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, वो यहाँ सेकंड पर क्लिक करेंगे। दूसरा कारण कि यहाँ पर हम क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, मैंने जैसे बताया कि ग्रेजुएशन जो है वो एनुअल हुई है, और ये मैंने बीए लिख दिया कि बीए एनुअल में की है, मान लीजिए 2011 में की हुई है और 2021 में उन्होंने एमए की हुई है, तो वो एमए क्या हो गई, सेमेस्टर सिस्टम में। इस एमए के कारण, क्योंकि एडिशनल फॉर्म जो फिल होना है वो बीए के बेस पर होना है, लेकिन वो रजिस्टर पहले से हैं, दैट इज वाई क्लिक हियर इफ यू आर एन ओल्ड सेमेस्टर स्टूडेंट, ये हो गया ओल्ड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने और ऑप्शन क्या हमारे पास आई है, रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म December 2023। नोट इंपॉर्टेंट है, एज यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन एनी प्रीवियस सेमेस्टर एग्जामिनेशन, प्लीज एंटर योर प्रीवियस एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड अदर डिटेल बिलो, वी विल फैच योर डिटेल बेस्ड ऑन योर इनपुट। ये इम्पॉर्टेंट है, फैच मीन वो निकाल लेंगे। अगर आप सिर्फ जो प्रीवियस एग्जामिनेशन रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ है ना, वो फिल करोगे, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखा सकता। मैंने यहाँ पर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है और गो पर क्लिक किया, ये रहा ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो पहले से फिल की हुई थी वो सामने आ गई। ये स्टार है, फील्ड्स स्टार वाले फील्ड्स आर मैंडेटरी, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। दूसरा है, इफ यू एवर फिल्ड एग्जामिनेशन फॉर्म ऑन दिस वेबसाइट इन एनी प्रीवियस सेमेस्टर, यहां से मुझे पता चला कि एमए उन्होंने की हुई है, दैट इज वाई वो वाला जो ऑप्शन क्लिक करना है, एमए के बेस पर प्रीवियस इंफॉर्मेशन फैच हो जाएगी, निकल आएगी। देन कम हियर एज ओल्ड स्टूडेंट रेदर देन न्यू स्टूडेंट। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, कैंडिडेट मस्ट कॉन्टेक्ट देयर डिपार्टमेंट फॉर अपडेटिंग फीस रिलेटेड ऑप्शन लाइक फुल फी एग्जम्पशन पीएमएस ऑप्शन ओनली आफ्टर एसर्टनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द सेम पीएमएस। ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, मेरे ख्याल में फिर भी पढ़ देता है, फुल फी एग्जम्पशन ऑप्शन आर एप्लीकेबल फॉर ओनली एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब स्टेट, तो ये एससी कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर हियर आर हर एलिजिबिलिटी फॉर गोल्डन चांस बिफोर फिलिंग द फॉर्म, ओनली ही शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग रॉन्ग फॉर्म और फी, यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ एनी नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फिल द फॉर्म एंड पे द फीस। चलते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत आसान हो गया है, क्योंकि सिर्फ हमने
बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है न्यू इन्फॉर्मेशन वो फिल करनी है, पुराने वाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्योंकि एडिशनल ग्रेजुएशन के फिल करने हैं हमने इंग्लिश के, तो यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट क्लिक करेंगे। एग्जाम टाइप कौन से हैं, यहाँ पर ट्रैक डाउन से, यहाँ पर रीपियर कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म है, फुल सब्जेक्ट के लिए ये फॉर्म है, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए ये फॉर्म है, डेफिशिएंट कैंडिडेट और एडिशनल सब्जेक्ट, ये एडिशनल सब्जेक्ट की है, इसमें इम्प्रूवमेंट रीपियर इनके लिए ये वीडियो काउंट हो सकती है कि यही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब एडिशनल सब्जेक्ट क्लिक किया तो यहाँ पर क्लास सेलेक्ट क्लास, अब क्लास सेलेक्ट करनी है क्योंकि हमने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने हैं। ग्रेजुएशन में हम बी ए देखेंगे, बैचलर ऑफ बी ए, बी ई आ गया। अगर बी एड के फिल करने हैं, ध्यान से देखना, अगर आपने बी एड वन ईयर वाली की हुई है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, है ना। ये लेकिन हमने नहीं करना, एक ही वीडियो में ये सारा कुछ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे चलेंगे, हमने बी ए, अच्छा बी एड जनरल टू ईयर कोर्स, अगर टू ईयर कोर्स में की है उसका एडिशनल देना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करोगे। बी एड स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी, बी एड स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डनेस, बी पी एड फोर ईयर, और ये हमारा बी ए कहाँ गई, कोई भी और क्लास है आप के टिक कर सकते हैं, लेकिन आप एडिशनल जो है सिर्फ लैंग्वेज का दे सकते हैं, अगर आपने बीएससी वगैरह की है फिर भी दे सकते हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये रहा बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर सोशल साइंसेज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स, हमने कौन सा एडिशनल देना है ये बचेगा, सिर्फ बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसको हमने फिल कर दिया। सेलेक्ट सेमिस्टर कौन सा फिल करना है, तो उन्होंने पीछे कहा था कि तीन कैटेगरी अलग से आपको एग्ज़ाम फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट का जो है दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने हैं एडिशनल के, तीन सेमिस्टर वन के, सेमिस्टर थर्ड के और सेमिस्टर फिफ्थ के देने हैं, तो ये पहले हम फिल का फर्स्ट का फॉर्म फिल करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो अगर देख रहे हो तो दो चार छः एक ऑप्शन होगी, आपने दो चार और छः का बारी बारी फिल करना है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम ये वाला क्लिक करते कि हमने पहले कभी भी ऑनलाइन ये फॉर्म फिल नहीं किया, नेवर फिल्ड दिस फॉर्म ऑनलाइन, तो न्यू स्टूडेंट है तो यहाँ क्लिक करना था, तो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही फ़र्क है, कोई और फर्क नहीं है, ये बताना चाहता हूँ। इसको क्लिक किया, ये इंस्ट्रक्शन सेम है, स्टूडेंट टाइप, एग्ज़ाम टाइप, सारा फॉर्म सेम है, तो ये खाली मिलेगा आपको, वहाँ यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, है ना। तो मोबाइल वहाँ पर क्या है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन फिल हुई है, है ना, नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर नया एंटर्ड है, हाँ इन्होंने ये कहा है कि मोबाइल नंबर पर आगे कोई कोड नहीं लगाना, 10 डिजिट का होना चाहिए, ईमेल फुल है। अगर कुछ नहीं है तो आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है, फॉर एग्जांपल स्टेट यहाँ पर फिल करने को कहा है, मिस है, वो आपने फिल कर लेनी है। उन्होंने पहली इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे दी है, ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर परमानेंट एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस डिफरेंट है तो आप कर सकते हैं कि डिफरेंट फिल करिए, अदर यहाँ पर आप सेम फिल कर सकते हैं। पिन कोड यहाँ नहीं था, मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पर पिछली इन्फॉर्मेशन जो फेच की गई है उसमें आधार नंबर नहीं फिल किया गया, यहाँ मैं आधार भी फिल कर रहा हूँ। फॉर्म फिल करते हुए एक बात ये समझ लेनी चाहिए, जब तक आप पिछली इन्फॉर्मेशन को पूरा नहीं करते तो अगली ऑप्शन ऑनलाइन फॉर्म में खुलेगी नहीं, जब तक वो इन्फॉर्मेशन इनकोरेक्ट है पिछले वाली, तो भी अगले वाली जो इन्फॉर्मेशन है फिल करने के लिए खुलेगी नहीं। यहाँ पर जैसे मैंने नेशनलिटी इंडियन फिल करना था तो पिछली इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट या गलत थी, है ना, तो ये इंडियन तक ऑप्शन नहीं आ रही थी। इसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी है, यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल कैटेगरी, फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड कास्ट बिलो पावर्टी लाइन, शेड्यूल्ड कास्ट जो EWS ऐसे हो सकता है, या पर्सन विद डिसेबिलिटी भी शेड्यूल्ड कास्ट हो सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब भी हो सकते हैं, आप मल्टीपल चूज कर सकते हो,
है ना, तो इनमें से कंपलसरी है एक को चूज करना है। अगर आपकी इफ एप्लीकेबल प्लीज अटैच द रेलेवेंट सर्टिफिकेट विद द फॉर्म ओनली इफ नॉट डिपॉजिटेड अर्लियर, पहले अगर कोई फॉर्म आपने फिल जो डिपॉजिट नहीं करवाया तो यहाँ पर आपको फिर वो अपलोड साथ में करना होगा। तो ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। जनरल कैटेगरी है, एक तो चूज करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी को मैंने चूज कर लिया तो नेक्स्ट ऑप्शन खुल गई। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये है, ये ऑप्शन है कि ये आप लेना चाहते हो। यहाँ पर ये क्लिक करेंगे आप साइड में ये यहाँ से है ना, तो कोई भी है, ब्लाइंड है, डिफेंस है, NRI, फॉरेन, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, ये सारी आप देख सकते हो। और अगर कैटेगरी आपकी इनके बीच में है जैसे EWS और इनकम बिलो देन 2.5 लाख, तो ये आपको फिल कर देनी चाहिए अगर एप्लीकेबल है, बेनिफिट अगर आपको मिल सकते हैं। आर यू वर्किंग इन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 3 ईयर, नहीं हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पब्लिक सेक्टर में वर्किंग में नहीं है। ये इफ येस प्लीज अटैच रेलिवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट विद द फॉर्म ओनली इफ नॉट डिपॉजिटेड अर्लियर, अगर पहले से आपने जमा नहीं करवाया तो। इसको तो बड़ा करके भी समझा जा सकता था, है ना, है, ये मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है। आर यू ए चाइल्ड ऑफ पर्सन किल्ड इन नवंबर 1984 रॉयट्स और टेररिस्ट वायलेंस इन पंजाब, इफ यस अटैच रेलिवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फॉर्म इफ ओनली इफ, अगर आपने पहले जमा नहीं करवाया तो यहाँ पर नो क्लिक हो गया। अब आगे ऑप्शन आएंगी, ये कि करंट एग्जामिनेशन डिटेल जो आपने फिल करने हैं, सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर वन एंड सेलेक्ट सेकंड चॉइस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। इसके इधर जो है प्रीवियस सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, यहाँ पर आपने दो ऑप्शन एग्जामिनेशन सेंटर की है, जैसे यहाँ पर ड्रैग डाउन में यहाँ से मैंने फिल कर दी है जलंधर, जो भी आपने प्रेफर करनी है। अच्छा, सेलेक्ट कॉलेज डिपार्टमेंट, रेगुलर प्राइवेट कैंडिडेट, सेलेक्ट प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन के जो एग्जाम है आपने देने हैं वो किसी कॉलेज से नहीं दे रहे। अगर आप बीएड का ये कर रहे हो, एडिशनल पेपर यहाँ फिल कर रहे हो, देन आपने उस कॉलेज का नाम फिल कर देना है, क्योंकि प्रैक्टिकल उस कॉलेज ने लेने हैं। यहाँ पर मैंने प्राइवेट कैंडिडेट, यहाँ पर ऑप्शन होगी बीच में जाके देखना है, प्राइवेट कैंडिडेट ऑप्शन, ये पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेक्टर वन चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आ रहा है। यहाँ पर ड्रैग डाउन में काफ़ी नीचे जाके पी अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज है, प्राइवेट कैंडिडेट, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, प्राइवेट कैंडिडेट यहाँ आ चुका है। तो ये जब ये पिछली इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की थी तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो ऑप्ट करने हैं आपने यहाँ नहीं थे, तो मैंने सिर्फ क्योंकि कंपलसरी इंग्लिश, कंपलसरी पंजाबी ये नहीं दे रहे, मैंने इलेक्टिव इंग्लिश चूज करना है। यहाँ पर जाऊँगा ड्रैग डाउन पर, यहाँ ये इंग्लिश इलेक्टिव ENO ये कोड है, इसको मैंने यहाँ टिक कर देना है। अच्छा, अगर आप दो ऑप्शन फिल कर रहे हो, आप एडिशनल दो एग्जाम के दे रहे हो, तो यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप में से आप दो नहीं चूज कर सकते। एक मिनट, ये है व्यू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये देखने इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तो कंपलसरी हो गए, ये अगर फुल सब्जेक्ट है, हमने वो सब्जेक्ट लेने हैं। यहाँ पर बड़ा कर रहा हूं, ये ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक अप 3 elective सब्जेक्ट इन ऑल सेलेक्टिंग नॉट मोर देन 1 सब्जेक्ट, ये फुल के लिए है। लेकिन अगर आप एडिशनल 2 देना चाहते हो तो आप वो 2 language ही चूज नहीं कर सकते। इट मींस क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ लैंग्वेज के ही एडिशनल पेपर बीए के लेती है, इट मींस एक पेपर ही होगा, लॉजिक ये बनता है। तो हमारा ग्रुप कौन सा बनता है, इसको बड़ा कर ले, ये रहा है ना, इट मींस के इन्होंने रॉन्ग बताया है। जैसे
कि आप पहले ग्रुप में से ले रहे हो और थर्ड ग्रुप में से ले रहे हो, पहले ग्रुप में से हिंदी और उर्दू ले लिया, ये भी रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग दी हुई है। अगर आपने इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन फाइन आर्ट्स तीनों ही एक ग्रुप में से उठा लिए, वो भी रॉन्ग है। आपको पहले ग्रुप में से एक और दूसरे ग्रुप में से एक उठाना है, ये फुल सब्जेक्ट फिल करने वालों के लिए है। अब हमारे लिए बीए एडिशनल जो है सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ लैंग्वेज के हैं, तो लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, पर्शियन, तमिल, फ्रेंच, अरबिक, रशियन, जर्मन, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ये हैं। तो हमारा जो सुई है ये तो इसके इर्द गिर्द घूमेगी। इट मीन्स आप इंग्लिश और हिंदी का किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं दे सकते हो इकट्ठे दो लैंग्वेज का, ये एक ग्रुप बनता है, एक ग्रुप में से एक चूज करना है। तो ये नॉर्मली हम रीजनल लैंग्वेज और नेशनल और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज के इर्द गिर्द घूमते हैं, दैट इज़ वाई ये रीजनल लैंग्वेज आ जाती हैं नॉर्मली। तो हमने इनमें से एक ही चूज करना है, तो यहाँ पर हमने इलेक्टिव इंग्लिश को चूज किया है। और बाकी अगर सोशल साइंस, मान लो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है तो सोशल साइंस है, तो उनमें भी ये ग्रुप बने हुए हैं। वहाँ आप इकोनॉमिक्स और डिफेंस ये इकट्ठे चूज नहीं कर सकते। कारण क्या है कि जिस दिन इलेक्टिव इंग्लिश का एग्जाम होना है उसी दिन इलेक्टिव हिंदी का होना है, उसी दिन उसी समय पंजाबी का होना है, दैट इज वाई ये क्लैश ही होंगे, आपको एक ही चूज करना होगा। ऐसे ही सोशल साइंस के ग्रुप है, साइंस के ग्रुप है, ये बने हुए। तो रजिस्ट्रेशन पर हम दोबारा आ गए हैं, ये रहा। और इसके अलावा ये साथ में ही है, छोटा करके दिखा दूं, ये क्या है, यहाँ पर ये फिल हो गया है प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम, इसको बड़ा करने लगे हम, यहाँ पर आ जाएगा, डाउन करेंगे प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम डिटेल, प्लीज फिल एग्जाम डिटेल सेक्शन बिफोर फिलिंग दिस सेक्शन। एग्जाम डिटेल जो है पहले फिल करके आए हैं। इफ यू आर फिलिंग फॉर्म एज अ रीपेयर कंपार्टमेंट कैंडिडेट देन प्रोवाइड हियर द लास्ट सेशन डिटेल व्हेन यू गॉट कंपार्टमेंट और स एस भी लिखा है। लास्ट सेमेस्टर अपीयर्ड, सेलेक्ट कर ली क्लास, हमने सेलेक्ट सेमेस्टर कर लिया, सेकंड है ना जो भी आपका है, यूनिवर्सिटी जो कर ली है, सेलेक्ट सब्जेक्ट है, रोल नंबर फिल कर दिया, सेशन फिल कर दिया, पासिंग ईयर, रिजल्ट पास लिख दिया है ना, अगर पास बट नॉट आरएलएल है ये भी फिल कर सकते हो, जैसे ये कर दिया, और रिजल्ट अवेटेड, और प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट कब आउट हुआ, डेट उसकी सारी फिल कर दी है, एडमिशन ईयर कब एडमिशन ली थी वहाँ पर। तो लास्ट में ये एंटर द टेक्स्ट बिलो, सेम टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट में क्या है डिजिट दिए गए हैं, सिर्फ वही फिल करना है, उसके बाद आपने रजिस्टर को क्लिक करना है, और एक वार्निंग आएगी जिसमें ये पूछा जाएगा कि आपने जो डिटेल फिल करी ही है वो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो वेरीफाई कर सकते हैं, दोबारा से चेक प्रॉपरली कर सकते हैं, अगर आप श्योर हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो ओके को क्लिक करोगे, ओके को मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर एरर की इंडिकेशन आ गई, क्यों रजिस्टर नहीं हुआ, प्लीज एंटर द सेम टेक्स्ट, इट मींस मैंने ये जो टेक्स्ट है सेम फिल नहीं की, ये दोबारा फिल कर रहा हूँ, ये एरर आपसे भी हो सकती है। ये सेम टेक्स्ट फिल करके रजिस्टर में फिर क्लिक किया और ये वार्निंग को ओके कर दिया, उसके बाद फिर आया है प्लीज सेलेक्ट प्रीवियस एग्जामिनेशन सब्जेक्ट, ये जो एग्जामिनेशन सब्जेक्ट था ये वाला, ये फिल नहीं हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रही, इस सब्जेक्ट को पहले फिल करना है। बीएड एडिशनल वालों के लिए भी यही फॉर्म है, बस ये फर्क है कि यहाँ पर एडिशनल फिल कर लिया है, यहाँ पर क्लास जो है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रेफर करोगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन जैसे पहले डिस्कस किया है, एक वन ईयर की है और एक टू ईयर की है एनुअल, जिसमें भी आपने किया है उसको सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स है, यहाँ बी एड है, शॉर्ट फॉर्म यूज की गई है, जनरल टू ईयर कोर्स, और यहाँ पर होगा वन ईयर कोर्स, ये बी एड वन ईयर और ये बी एड जनरल टू ईयर कोर्स, यहाँ टू ईयर को फॉर एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट कर लिया, और ये सेमेस्टर कौन था क्योंकि चार है, देखिए उसके अकॉर्डिंगली ही ऑप्शन आते हैं, जैसे आप यहाँ फर्स्ट में चूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड थर्ड के पेपर होने हैं आपका, और यहाँ जो आपने करंट सेमेस्टर एग्जाम डिटेल सेलेक्ट करनी है वहाँ ऑप्शन, क्योंकि मैंने ऊपर फिल किए हैं
बीएड को, तो वो बीएड 2 ईयर, अगर 1 ईयर वाली फिल करोगे एनुअल वाली, तो वो ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें से मैंने कौन सा सब्जेक्ट देना है, इसको आप टॉप डाउन को डाउन करोगे यहाँ पर। मान लीजिए मैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश का देना चाहता हूँ। अब ये प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल जो है पहले बीएड, कोई भी प्रैक्टिकल है उसकी पहले एडमिशन कॉलेज में होगी। तो इट मींस ये फॉर्म फिल करके आप कॉलेज से सिग्नेचर करवाओगे, अटेस्टेशन, वहाँ फीस जमा होगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी होगी। तो ये मैंने टीचिंग ऑफ इंग्लिश का यहाँ फिल कर दिया, बस इतना फर्क है। प्रीवियस सेमिस्टर एग्जाम यहाँ पर पहले हमने एमए के फिल किए थे, जो भी पिछली आपकी क्लास है, तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। नेचुरली आप पिछली जो अगर एमएड की है, एमए की है, बैचलर ऑफ एजुकेशन की है, उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर दोगे। तो ये डिफरेंस है, आपने एडिशनल जो बीए का और बीएड का करना है। अगर आप ऊपर ऑप्शन चेंज कर देते हो यहाँ पर कि मैंने एडिशनल की यहाँ जगह पर इम्प्रूवमेंट रीअपियर है ना, ये करना है, तो ऑप्शन वैसे ही चेंज हो जाएंगे। आप क्लास को फिल करोगे यहाँ पर, क्लास सेलेक्ट करने के बाद बीएड में तो इम्प्रूवमेंट होगी नहीं, क्योंकि नेचुरली 60% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं और ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं भी जॉब में वेटेज नहीं है बीएड के मार्क्स की। ज़्यादातर जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स को ही किया जाता है। ये मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए फिल कर दिए, कितने सेम करने हैं आपने, है ना। मान लीजिए फर्स्ट है, अगर दूसरा सेम भी करना है, तीसरा भी करना है, उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो ऐसे ही नीचे चलेंगे, जो करंट ये है वो देखिए ऑप्शन चेंज हो गई। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ सब्जेक्ट, मान लीजिए हिस्ट्री करना चाहता हूँ या मैथ्स करना चाहता हूँ, जो भी सब्जेक्ट है वो आप टिक कर दोगे। हाँ, तो ये यहाँ पर टिक करते समय जो पीछे ग्रुप देख के आए थे, जैसे सभी लैंग्वेज थी, वो ऐसा कुछ क्लिक नहीं होना चाहिए आपके पास। तो ऐसे ही अगर आप कोई और रीपियर का फिल करना चाहते हो, फुल सब्जेक्ट है ना, एडिशन की बात बीएड की बीए की हो चुकी है, तो ये इम्प्रूवमेंट का देख सकते हो। इम्प्रूवमेंट का यहाँ फिल करोगे, यहाँ पर आप जाके बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्योंकि बीएड में प्रोफेशनल जो कोर्स होते हैं उसमें नॉर्मली 60% से अधिक होते हैं, इम्प्रूवमेंट तभी कर सकते हो अगर आपके 60% से कम मार्क्स हैं। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऑप्शन है किस सेम का, एक बार पहले सेम 1 का फिल करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली डिटेल सारी फिल होगी। और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किसका करना है, ये ऑप्शन है। यहां पर आप सेम सब्जेक्ट मतलब जो ग्रुप में नॉर्मली आपने जो बीए में प्रेफर किए हुए हैं, जब बीएससी में जिसमें भी प्रेफर किए हुए हैं, उन्हीं सब्जेक्ट में से चूज करोगे। सेम वन का फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री करना चाहते हो, साथ में पब्लिक हेड है, और एक ले लेते हैं यहां पर पब्लिक हेड, मान लीजिए ये हो गया आपका, है ना, साइकोलॉजी ली हुई है। तो वो सब्जेक्ट जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो उनको यहाँ पर ऑप्ट करोगे। इसके लिए गाइडलाइन अलग से पढ़नी चाहिए कि सभी सब्जेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात बता दूं कि ये फॉर्म जो मैंने बताया है इम्प्रूवमेंट का, एडिशनल का, बीए का और बीएड का, इसके रिगार्डिंग अगर इसमें कोई, इस वीडियो में कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलता, तो आप उसका क्वेश्चन करोगे, उसका आंसर भी इस वीडियो के नीचे दिया गया होगा। अगर मुझको लगता है कि मेरे से कोई गलती या गलत जो सोल्यूशन दिया गया है, करेक्शन के रिगार्डिंग जो वीडियो, उस एरर पर मेरे से एरर होगी, उस पर भी इसी वीडियो के नीचे ही लिंक दिया गया होगा। तो जैसे जैसे आपकी यूनिक प्रॉब्लम मेरे सामने आती जाएंगी, उस यूनिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सपर्ट से, यूनिवर्सिटी से पता करके, जो जहाँ जिस बच्चे के पास एक्सपीरियंस है, उस जहाँ से भी रिलायबल डाटा मिलता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उससे एक्ट करके जो वीडियो, इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो जो होंगे, इसी वीडियो के नीचे उसके लिंक दिए गए होंगे। थैंक यू।